इवनिंग क्लास आप लोगों का स्वागत है कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन चैनल पे। और जल्दी से आप सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हम लोग जो है कल पढ़े थे एलसीएम मेथड पे आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। और कल हम लोग पढ़ रहे थे कि यदि बीच में कोई व्यक्ति काम छोड़ करके चला जाए तो काम कैसे होगा, इस टाइप के प्रश्न हम लोग कर रहे थे, है ना। व्यक्तियों का बीच में काम छोड़कर चले जाना पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एसएन कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन चैनल पे, ठीक है। वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, ठीक है। गुंजा सिंह, गुरदीप सिंह और डैना सोनी, आकांक्षी गौतम, चंद्रिका यज्ञवंशी, आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हम लोग जो है सब हो गया था क्वेश्चन हम लोगों का 16। ये क्वेश्चन हम लोग हो गया था ना, यहां से करना था, ठीक है। 20, हाँ ये दो क्वेश्चन हम लोग करना है। चलिए तो हम लोग कर लेते हैं। याद 18 तक हो गया था हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग करना था, ठीक है। कल हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है कर लिए थे 18 तक, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। तो 19 क्वेश्चन नंबर 19 सर कल का पीडीएफ नहीं मिला था, ठीक है। हम कल का पीडीएफ और आज का पीडीएफ दोनों हम डाल देंगे, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देख लेते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन सामने दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। क्या दिया गया है, दिया गया है कि ए है और बी है और सी है जो किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं, है ना। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया किंतु 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी कार्य को छोड़ देता है, कितने समय में सी अकेले कार्य पूरा कर लेगा, है ना। कितने समय में शेष कार्य होना चाहिए, ठीक है। कितने टाइम में शेष कार्य सी अकेले पूरा कर लेगा, ठीक है भाई। सी कंप्लीट द वर्क, एक क्वेश्चन दिया गया है। ए बी सी क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया किंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ दिया तथा 3 दिन बाद बी काम छोड़ दिया, कितने समय में सी अकेले कार्य को समाप्त कर लेगा, ये आपसे क्वेश्चन दिया गया है। कितने समय में शेष कार्य सी कितने दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। सर हिंदी वाले सर कहाँ गए, हिंदी वाले सर जो है ये बनारस में नहीं है, वो घर गए हुए इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे। देखिएगा करते हम लोग, हम कहेंगे 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालने कितना आएगा, 60 आएगा ना। एलसीएम कितना आएगा, 60। 10 से भाग दे लेंगे, 10 छक्का 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए बी सी क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब जो यहाँ पे भाग दिया हमने, भाग देने पे हमको क्या मिल गया, क्षमता मिल गया। तो ए की क्षमता कितनी है, 6, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 3। ए बी सी तीनों की क्या मिल गई हमको, क्षमता मिल गई भाई। चलिए अब कह अब कहा गया कि 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, है ना। तो तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया किंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ दिया, यानी कि पूरे काम में ए का हिस्सा कितने दिन करा। हम कहेंगे ए का हिस्सा कितने दिन करा भाई, हम कहेंगे ए का जो हिस्सा रहा है वो 2 दिन करा है, पूरे काम में ए केवल 2 दिन ही काम किया है। हम कहेंगे देखिए तो तीनों ने एक साथ काम शुरू किया है, ए बी है बी और सी तीनों ने मिलकर के 2 दिन काम किया साथ साथ, 2 दिन काम किया साथ साथ, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा। हम कहेंगे तीनों दिन मिलके काम करेंगे, 6, 4, 10, 3, 13, 13 काम होगा एक दिन में। तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 13 काम होगा, तो 13 काम होगा एक दिन में, तो 2 दिन में कितना काम होगा, 13 गुना के 26, यानी कि 26 जो काम है वह पूरा हो जाएगा, 26 वर्क पूरा हो जाएगा ना, ठीक। लेकिन अब क्या, अब ए भाग गया, कह रहा कि ए चला गया तो तथा 3 दिन बाद बी कार्य को छोड़ देता है ना। तो ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली, दे वर्क्ड टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट एंड आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद बी लिव्ड, है ना। अब देखना यहाँ पे 3 दिन बाद बी कार्य को छोड़ देता है, तो
यहाँ कंफ्यूजन ये हो रही है कि ए के छोड़ने के 3 दिन बाद छोड़ा है कि 3 दिन बाद छोड़ा है, ठीक है कोई बात नहीं है। तो हम कहते हैं 2 दिन काम शुरू करते हैं कि 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। 3 दिन बाद का मतलब ये हुआ कि अगला जो एक दिन बीता होगा उसने कौन काम किया होगा, बी और सी। बी और सी कितना काम किए होंगे, एक दिन, क्योंकि 3 दिन बाद जो है, 3 दिन बाद क्या किया, बी ने भी छोड़ दिया ना, तो 2 दिन यहाँ काम कर चुका था बी, एक दिन और काम करेगा तो बी का 3 दिन पूरा हो गया, बी का 3 दिन पूरा हो गया, एक दिन काम चला, तो एक दिन काम चला होगा तो बी और सी है, बी 4 काम सी 3 काम, कितना हो गया 7, यानी हम कह सकते हैं 7 काम यहाँ पे पूरा हो गया। तो कुल काम हो कितना गया, 26 काम 7 काम, कितना हुआ 33 काम, कितना हो गया 33 काम हो गया, 33 काम हो गया। कितना काम बचा, कितना काम बचा, तो हम कहेंगे कुल 60 काम है, 60 काम में से 33 काम हो चुका है, कितना बचा 27 काम। अब ये जो शेष काम बचा 27, इसको कौन करेगा, इसको करेगा सी अकेले करेगा, सी अकेले करेगा। तो कहेंगे काम हो गया 27 और सी की क्षमता हो गई कितनी 3, 3 से कर लेंगे भाग, 3 × 27 हम कहेंगे 9 days, कितना लगेगा 9 दिन लगेगा, शेष काम बचेगा उसको 9 दिन में जो है सी कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना भाई, बढ़िया है, आ रहा कि नहीं आ रहा। तो बहुत अच्छे बच्चों का आंसर आया भी है, सर घर से आएंगे तो क्लास लेंगे ना, हाँ बिल्कुल घर से आएंगे तो आप लोग ऑफलाइन क्लास लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ तो काजल सिंह 9 दिन, आकांक्षी गौतम 9 दिन, चंद्रकांत यूनिवर्सिटी सी, पौन झा सी, ठीक है वेरी गुड। हाँ इस प्रकार से आप लोगों का आंसर आ जाएगा 9 दिन, आया कि नहीं है बताइए, आ गया भाई, चले आगे, वेरी गुड वेल डन गीता यादव 9 दिन भाई। बाकी लोग कहाँ है, बहुत कम लोग लाइव आए हैं आज, बहुत कम लोग ऑनलाइन दिख रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गए सी, ठीक है हाँ ठीक, चलिए चले आगे, आगे कि नहीं आया, आया तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, यस, नहीं आया तो नो लिखिएगा, आ गया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिएगा, ठीक है आ गया सबको भाई, चले आगे, चलिए चलते हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि राम श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं किंतु 2 दिन बाद श्याम कार्य को छोड़ देता है, कितने समय में राम और मोहन मिलकर शेष कार्य समाप्त कर लेंगे, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ठीक है बता दीजिए भाई क्या आंसर आएगा, चलिए आपको हम टाइम यहाँ पर दे रहे हैं, बता दीजिए आंसर क्या आएगा, राम श्याम और मोहन किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया किंतु 2 दिन बाद श्याम कार्य को छोड़ देगा, कितने समय बाद राम और मोहन दोनों मिलकर के शेष कार्य को समाप्त कर लेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यस सर ओके ओके यस बताइए, जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा इसका, 3 दिन क्या 3 days ओके, चले 15 सेकंड आ रहा है, 15 सेकंड और बचे हुए, जल्दी से आंसर दीजिएगा, 15 सेकंड बचे हुए जल्दी से आंसर दीजिए क्या आंसर आएगा, 10 सेकंड और बचे हैं, देखिए चलिए कर लेते हैं है ना। अब राम श्याम और मोहन किसी कार्य को 10, 12, 15 दिन में करेंगे, 10, 12, 15 का लॉस कितना है, बोला गया राम है श्याम है और मोहन है, ये करेगा 10 दिन में, ये करेगा 12 दिन में, ये करेगा 15 दिन में, एलसीएम कितना जाएगा 60, 10 × 60 12 × 5 कितना आएगा 60, 5 × 60 यानी जो ये मिला हमको 6, 5 और 4 मिला, ये क्या मिला हमको क्षमता मिल गया, हम कहेंगे कि तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया किंतु 2 दिन के बाद, हम कहेंगे ए बी सी तीनों ने कार्य शुरू किया और कितने दिन काम किया, 2 दिन तो काम किया ना भाई, 2 दिन जो काम किया होगा 2 दिन में कितना काम किया होगा, 6 × 10 = 15 काम होगा, तीनों दिन मिल जाएंगे 15 काम होगा एक दिन में, 2 दिन में कितना काम होगा 15 × 30 यानी 30 काम हो जाएगा, 2 दिन में कितना काम होगा 30 काम कर लेंगे, कितना काम बचा 60 काम, कुल काम कितना है 60, कितना हो गया 30, कितना बचा 30 काम बचा, शेष काम बचा 30, करा कितने समय में राम और मोहन मिलकर के कितने समय में शेष कार्य को पूरा कर लेंगे, शेष कार्य बचा कितना है, हम कहेंगे शेष कार्य कुल काम 60 था, 60 में से 30 काम हो चुका है, यानी कितना बचा 30,
तो जो 30 काम करना है इसको कौन करेगा? इसको करेगा राम और मोहन। राम की क्षमता 6 की है, मोहन की क्षमता 4 की है, 6 4 10 काम, 10 काम करने होगा। 30 काम करने में कितना लगेगा? 3 दिन का समय लग जाएगा। हम कहेंगे शेष कार्य जो बचेगा वो 3 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर हो जाएगा, 3 दिन में शेष कार्य पूरा हो जाएगा। बढ़िया है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये यहां तक आप लोगों ने कर लिया भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए अब जो हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है। अलग टाइप का प्रश्न का मतलब होता है वो क्षमता पर आधारित प्रश्न। किस पे? क्षमता पर आधारित प्रश्न, ठीक है। क्षमता पर आधारित प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इफिशियंसी। जैसे सपोज दैट एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, और ये जो व्यक्ति है कैसा व्यक्ति है? ये एक पहलवान व्यक्ति है, ठीक है ना। क्या है? ये पहलवान व्यक्ति। इसके आगे एक व्यक्ति और है, ठीक है, ये भी एक व्यक्ति है। इसका नाम क्या है? इस व्यक्ति का नाम है खली, ठीक है। इसका नाम क्या है? चिंटू, है ना। ये दो व्यक्ति है, एक चिंटू है, खली है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो कहेंगे इसमें क्षमता किसकी अधिक, क्षमता किसकी अधिक है? तो आप बोलेंगे सर खली की, खली पहलवान अधिक है ना, इसकी क्षमता अधिक होगी। काम करने की एफिशिएंसी खली की अधिक होगी, चिंटू की क्षमता कितनी है? कम है। तो ये बताइए, मान लीजिए कोई काम है, कोई काम है, उस काम को जल्दी कौन करेगा? जल्दी से कौन करेगा? जिसकी क्षमता अधिक होगी ना वो जल्दी कर लेगा, जिसकी क्षमता कम होगी वो देर से करेगा। क्लियर है ना। क्षमता अधिक है तो टाइम कम लगेगा, क्षमता कम है तो टाइम अधिक लगेगा। क्लियर है ना। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे, क्या कहेंगे यहाँ पे, कि क्षमता, क्षमता जो होता है ना, क्षमता में और समय में कैसा संबंध है? तो कहेंगे क्षमता और जो समय है, इफिशियंसी एंड टाइम, दोनों में व्युत क्रमानुपाती का संबंध है। कैसा संबंध है? व्युत क्रमानुपाती। मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब होता है क्षमता जिसकी अधिक होगी वो टाइम कम लेगा, अधिक होगी कम लेगा। क्षमता कम होगी तो समय अधिक लेगा, कम होगी तो अधिक लेगा। दोनों में उल्टा संबंध होता है। क्लियर है भाई? बढ़िया है, कर लेंगे ना इसे? वेरी गुड, वेल डन। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछता है उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्षमता आधारित प्रश्न ये दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक एक काम करने की क्षमता, एक एक काम करने की क्षमता बी से तीन गुनी है। एक एक काम करने की क्षमता क्या है? तीन गुनी है, 3 times है ना। अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन का समय कम लेगा, बी से 20 दिन का समय कम लेगा। याद कीजिए बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, ये आपको क्वेश्चन दिया गया। क्षमता पर आधारित प्रश्न है ये, ठीक है ना। हम कहेंगे एक एक काम करने की क्षमता बी से तीन गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। याद कीजिए बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। देखिए हम कहेंगे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ क्षमता, दोनों के क्षमता का अनुपात दिया है। क्या दिया है? क्या बोला है? ए का क्षमता बी से 3 गुना है, ए का क्षमता बी से 3 गुना है। हम क्या करेंगे, बी को मान लेंगे ए, तो ए कितना होगा? 3। ए की क्षमता बी से 3 गुना है, बी को मानेंगे ए, तो ए कितना होगा? 3। इन दोनों में क्षमता का अनुपात हो गया 3:1। समय का अनुपात क्या होगा? तो अब जानते हैं क्षमता का जो अनुपात होता है ना उसका उल्टा हो जाएगा समय का अनुपात। उल्टा का मतलब ये हुआ, एक आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ जाएगा 1:3। क्या हो जाएगा? 1:3। हम कहेंगे यानी कि क्षमता का अनुपात 3:1 का होगा तो समय का अनुपात 1:3 का होगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि क्षमता अधिक है समय कम लेगा, क्षमता कम है समय अधिक लेगा। क्लियर है ना, हो गया ना उल्टा। हम लोगों ने क्षमता का अनुपात दिया था, हम लोगों ने समय का अनुपात निकाल लिया। क्षमता का अनुपात दिया था, हमने समय का अनुपात निकाल लिया। अब हम ये देखेंगे कि बी से ए जो है बी से 20 दिन कम लेगा, ए बी से 20 दिन कम लेगा। ए यहाँ पे ले कितना रहा है? 1। बी कितना ले रहा है? 3। समय, समय। ए कितना लिया? 1। बी कितना लिया? 3। तो ए का समय कितना कम है? सर ए का समय अनुपात में
बी से कितना कम है, हम कहेंगे ए लिया एक, बी लिया तीन, तो ए का जो टाइमिंग है वो दो कम है, कितना कम है, दो कम है, किसमें, अनुपात में, इन दोनों के बीच में दो अनुपात कम है, लेकिन संख्या में क्या बोला है, 20 दिन कम समय लेता है, 20 दिन कम समय लेता है, तो हम कर लेंगे तुलना, कंपेयर, दो अनुपात का जो मान है ना वह 20 दिन के बराबर है, कितना है, 20 दिन के बराबर है। ए ने कितना अनुपात कम लिया, ए ने अनुपात में दो अनुपात कम लिया, लेकिन दिन में कितना कम लिया, तो 20 दिन कम लिया, यानी दो अनुपात का मान कितना आया, 20 दिन, दो अनुपात का मान 20 दिन है, तो एक अनुपात का मान कितना आएगा, 10 दिन, एक अनुपात का मान 10 दिन हो गया। पूछा क्या है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो बी का जो टाइम का अनुपात है कितना है, 3, बी का जो टाइम का समय का अनुपात कितना है, 3 है, तो एक का मान कितना आया, 10 दिन, तीन अनुपात का मान कितना है, 30 दिन, तो हम कह सकते हैं कि बी उस काम को जो है अकेले करेगा तो 30 दिन का समय लेगा। क्लियर है भाई, आ रहा कि नहीं आ रहा है, कर लेंगे ना, यस वेरी गुड, तो जो करेगा यहाँ पे बी अकेले करेगा तो 30 दिन का समय ले लेगा। फिर से एक बार बताते हैं, एक बार फिर से देखिएगा, बताने जा रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, कहा गया कि ए है, एक व्यक्ति बी है, ए की क्षमता बी से तीन गुनी है, बी का मान लिया एक, ए हो जाएगा तीन, ये किसका अनुपात है, क्षमता का, समय का अनुपात क्या होगा, उल्टा, समय हो गया 1:3 का, हमको जो जो दिया है उसकी तुलना करेंगे, दिया क्या है, बी से 20 दिन कम लिया, बी से 20 दिन कम लिया, अंतर है ए और बी के बीच का अंतर, ए और बी के बीच का अंतर कितना है, दो, अनुपात में दो का अंतर है, दिन में कितना है, 20 दिन का अंतर है, दो अनुपात का मान कितना आया, 20 दिन, एक का मान कितना आएगा, 10 दिन। पूछा क्या है, पूछा है बी अकेले कितना समय लेगा, बी अकेले करेगा तो अनुपात में कितना लिया, तीन, समय का अनुपात तीन है, तीन का मान कितना आएगा, कहेंगे 30 दिन हो जाएगा, कितना जाएगा, 30 दिन, आंसर हो जाएगा आपका 30 दिन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पर ऑप्शन सही है, गीता यादव, ठीक है ना भाई, बढ़िया है, चले आगे, वेरी गुड। चलिए अब इसी पे एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, कहा गया है कि राम की क्षमता श्याम से दुगुनी है, राम की जो क्षमता है कितनी है, श्याम से दुगुनी है, राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगुनी है, दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, बताइए अकेले राम उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है ना, राम की क्षमता श्याम से दुगुनी है, चलिए बताइए, आप लोग ट्राई करिएगा, ट्राई करना बहुत जरूरी है, ट्राई करने से क्या होता है, आपको अपनी कमियों का पता लगता है, आपको यह पता लगता है कि कहां पर आपको नहीं आ रहा है, आपको अपनी कमी पता चलती है और यह पता लगता है कि कहां पर आपको नहीं आ रहा है, अब फिर जब हम बताएंगे उस चीज को तो आपको वो चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए हम कहते हैं प्रयास करिए, ट्राई करिए, ठीक है ना, वह प्रयास तो करिए, लगाइए कितना आंसर आएगा, बताइए जल्दी करें क्या आंसर आएगा, बताइए, यस, वीडियो को लाइक तो कर दीजिए भाई, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाकी शेयर करिए अन्य ग्रुप्स में अन्य लोगों को, ठीक है ना, तो बताइए भाई, 20 सेकंड और है, ओनली 20 सेकंड और बचे हुए, केवल 20 सेकंड और बचे हुए, जल्दी संख्या दीजिएगा, ए, गीता यादव का ए आंसर है, चंद्रका यादव ए, रोहित तिवारी ए, गुरदीप सिंह ए, वेरी गुड, चलिए टाइम आपका समाप्त होने वाला है, टाइम समाप्त होने वाला है, देखिए राम और श्याम बोला गया है कि एक तरफ राम है और एक तरफ श्याम है, अब बोला गया कि जो राम की क्षमता है श्याम से दुगुनी है, श्याम हो गया एक, राम हो गया तो दुगुनी हो गई क्षमता, ठीक है, तो हम कहेंगे क्षमता हो गई, अच्छा ठीक, अब हमको बताइए कि दोनों मिल करके उस काम को 15 दिन में पूरा करेंगे, 15 दिन में पूरा करेंगे, सोचिए दोनों दिन मिल जाएंगे ना तो 15 दिन में पूरा करेंगे, दोनों की मिला के क्षमता कितना, यदि राम दो काम करेगा श्याम एक काम करेगा, दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल के कितना काम करेंगे एक दिन में कितना काम करेंगे, तो कहेंगे कितना काम करेंगे भाई, तीन, दोनों मिलके एक दिन में तीन काम करेंगे, यदि एक दिन में तीन काम करेंगे तो 15 दिन कम में काम पूरा हुआ है ना, तो 15 दिन में काम यदि पूरा हुआ है तो 15 दिन में कुल कितना काम हुआ होगा, कहेंगे 15 तिया 45 काम हुआ होगा, यानी कुल काम था कितना 45, बोले भाई यदि राम की क्षमता 2 है श्याम की क्षमता 1 है, दोनों की कंबाइंड क्षमता कितनी हो गई 3 की,
दोनों मिलके के करेंगे तो तीन की तीन काम पर डे होगा, तीन काम पर डे होगा, दोनों मिलके 15 दिन में काम पूरा किए, यानी कि 15 दिन में कितना काम हुआ होगा, 45 काम हो गया होगा, 45 काम हो गया तो काम खत्म हो गया, यानी पूरा काम है कितना 45, पूरा काम कितना है 45, उस काम को कर रहा। अच्छा ठीक है, अब कर बताइए अकेले राम उस काम को करे, अकेले राम उस काम को करे तो कितना दिन लगेगा, जब अकेले राम करेगा तो राम से क्या करवाना है, कुल काम करवाना है, तो कुल काम कितना है 45 राम से करवाना है ना, तो राम की क्षमता कितनी है 2 है, 2 से कर लेंगे भाग, काम बटे क्षमता आ जाएगा समय, भाग देने कितना आएगा 22.5 दिन, तो आपका आंसर आ जाएगा 22.5 दिन। ठीक है भाई, क्या आंसर आया 22.5 दिन आपको आंसर आ गया, आया कि नहीं आया भाई। ठीक है देखिए, अब उन दोनों प्रश्नों को समझिएगा दोनों में क्या अंतर था, जब तक दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे ना तो अपने आप आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे। ठीक है, पहले दो तीन क्वेश्चन करिए, सीखिए, सीख लेंगे तो अपने आप अगला क्वेश्चन कर ले जाएंगे। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं, यदि यह समझ में आ गया भाई आप लोगों को, चले आगे, बढ़िया ना, चलिए वेरी गुड, यदि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़िया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सामने ला रहे हैं, हाँ क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन दिया गया है कि ए था बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में कर लेते, यहाँ पे ए का अकेले, ए का अकेले अकेले दिया है, ए का दिया है 8 दिन, बी का दिया है 12 दिन, ए किसी काम को 8 दिन में और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर लेते हैं, सी की कार्य क्षमता ए की डेढ़ गुनी है, सी की कार्य क्षमता कितनी है ए की डेढ़ गुनी है, देखिएगा तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में कर ले, तीनों मिल करके एक साथ काम को करेंगे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है बताइएगा, चलिए आपके लिए हम टाइम दे रहे हैं, यहाँ पे टाइम आपके लिए है 1 मिनट का, जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा, यस बताइएगा जल्दी करिए क्या आंसर आएगा, ए तो ए और बी का तो दिन दिया है तो ए और बी की क्षमता निकाल लेंगे, अरे भाई जिसका हमको टाइम दिया गया है उसकी क्षमता भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ए और बी का हमको दिया गया है समय, क्षमता निकाल लेंगे, जब ए का क्षमता मिल जाएगा उसका डेढ़ गुना कर देंगे तो सी का भी मिल जाएगा, जब ए बी सी तीनों का क्षमता मिल जाएगा तो कितने दिन में करेंगे वो भी निकल जाएगा। ठीक है जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा, बीस सेकेंड और है, 20 सेकेंड और है, ठीक है जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा, 20 सेकेंड और है बताएं, यस ओनली 20 सेकेंड्स बचा हुआ है, बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर आएगा। चलिए टाइम आपका समाप्त हो चुका, टाइम आपका हो गया ओवर, अब ध्यान दीजिएगा हम कहेंगे कि ए दिया है और बी दिया है, ए का दिया है कितना 8 दिन, बी का दिया है 12 दिन, एलसीएम कितना आएगा 24, तो हम 8 से भाग देंगे तो 8 तरीके 24 और 12 गुना के 24, ये क्षमता मिल गई, ये क्षमता किसकी मिली, ये क्षमता मिल गई किसकी, ए की 3 बी की 2, सी की कितनी होगी, सी का हो जाएगा कितना, सी का हो जाएगा ए का डेढ़ गुना, सी की क्षमता ए की डेढ़ गुनी है, सी का डेढ़ गुना कितना होगा बोलिए भाई, सी का डेढ़ गुना मतलब क्या होता है, डेढ़ गुना मतलब होता है उसका आधा उसी में जोड़ देंगे तो डेढ़ गुना एक है, एक का आधा कितना होगा आधा, एक का आधा जोड़ देंगे तो कितना होगा डेढ़, डेढ़ गुना कैसे निकालते हैं, डेढ़ गुना कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे 3 का आधा कितना होगा डेढ़, डेढ़ से जोड़ देंगे कितना आएगा 4.5, ठीक है 3 का डेढ़ गुना मतलब क्या होता है, 3 का डेढ़ गुना मतलब क्या होता है, डेढ़ से गुना कर देंगे, 3 को डेढ़ से गुना कर देंगे हो जाएगा डेढ़ गुना, निकाल लीजिएगा 3 गुणे दो कम दो 3, 3 बटे में 2, ये कितना आएगा 9 बटे में 2 मतलब 4.5, आया कि नहीं आया, 4.5 आ गया ना। ठीक है डेढ़ गुना मतलब होता है कि डेढ़ से गुणा कर देंगे आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमको कहा गया है यदि वह पूरा काम, वह पूरा काम ए बी सी तीनों मिलके करेंगे तो क्या होगा, ए बी सी मिलके करेंगे 3 काम 2 काम 4 काम, 3 2 5 4 9 9.5, तीनों मिलके करेंगे तो क्षमता कितना होगा 9.5 काम एक दिन में, तीनों मिलके करेंगे तो 9.5 काम एक दिन में, तो कुल काम है कितना 24, कुल काम कितना है 24 है, तो कुल काम हो गया 24 और तीनों की मिला के क्षमता हो गई 9.5। चलिए
सॉल्व कर लीजिएगा, पॉइंट दिया है, पॉइंट कैसे हटेगा, ऊपर बढ़ा लेंगे जीरो, पॉइंट हट गया। अब पांच से काट लेते हैं, पांच से कम पांच हो जाएगा, अब पांच नवा पैतालीस, आज पांच चौथा बीस, अब पांच अठे चालीस, ठीक है। उन्नीस से भाग दे लेंगे इसको, कितना आएगा, तो उन्नीस से कम उन्नीस, उन्नीस दुना अड़तीस, दो सही दस बटे में उन्नीस, कितना आएगा, दो सही दस बटे में उन्नीस दिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दो सही दस बटे उन्नीस दिन का समय लगता है। बोली भाई आ रहा है, सोनी सिंह, पवन झा, गुरदीप, काजल, गीता यादव, सही है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा है। तो सी इज द राइट आंसर, हमने किया क्या, हमने किया क्या, ए का दिया है, बी का दिया है, कुल काम निकाल लिया 24, आठ से भाग देंगे आठ बीस चौबीस, बारह से भाग देंगे बारह दुना चौबीस, ठीक है। तो अब कहा गया सी की क्षमता कितनी है, ए की डेढ़ गुनी, सी का क्षमता कितना है, ए का डेढ़ गुना, ए दिया गया है तीन, सी कितना होगा डेढ़ गुना यानी कि साढ़े चार, ठीक है। अब कहा गया यदि पूरे काम को ए बी सी तीनों मिलकर करें तब कितना टाइम लगेगा, पूरा काम है कितना 24 का, ए बी सी तीनों मिल गए, बिंदु पांच चार नौ साढ़े नौ, तीनों मिलकर करेंगे तो साढ़े नौ काम करेंगे पर डे, कितना लग जाएगा, दो से दस बटे उन्नीस, कर लेंगे भाई, बढ़िया ना, चलिए अच्छी बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हाँ दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिया गया है कि मोहन की कार्य क्षमता, मोहन की जो इफिशियंसी है वो सोहन से 25% अधिक है, मोहन क्या है, सोहन से 25% अधिक है, क्लियर है। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेगा, यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेगा तो बताइए मोहन अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा, है ना, तो यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेगा तो बताइए मोहन अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा, ये आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। चलिए आपके लिए हम टाइम दे रहे हैं यहाँ पे एक मिनट का, ठीक है, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर आएगा, टाइम आपके लिए है एक मिनट का, जल्दी बताएं। मोहन की कार्य, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, है ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्क इफिशियंसी, ठीक है। अब बताइए आप लोग दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, आंसर जल्दी से दीजिएगा। यस 30 सेकंड और है, ओनली 30 सेकंड्स लेफ्ट मेरे प्यारे बच्चों। सोनी सिंह का सी है, राज का सी है, और चंद्रिका यदुवंशी का सी है, पवन झा का सी, रोहित तिवारी सी, वेरी गुड, वेल डन, बताइए 10 सेकंड और बचे हैं, ओनली 10 सेकंड्स लेफ्ट, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, ओनली 10 सेकंड लेफ्ट, बताइए क्या आंसर आएगा भाई, है ना, जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा। चलिए टाइम आपका हो गया, टाइम आपका हो गया, देखते हैं क्या आंसर है। देखिए बोला गया है कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, ठीक है, 25% अधिक होने का मतलब हो गया कि 1/4, है ना, यदि सोहन से, सोहन का चार होगा तो मोहन अधिक होगा, कितना अधिक होगा, एक, क्लियर है, नहीं समझ आया, ऐसे देखिए हम यदि परसेंटेज में मानेंगे तो मान लेंगे कि सोहन, सोहन की कार्य क्षमता यदि हम मान लेते हैं 100 का, तो मोहन की जो कार्य क्षमता होगी वह कितनी हो जाएगी, 25% अधिक, 100 के रिस्पेक्ट में 25% बढ़ा देंगे, कितना जाएगा 125, ये क्या मिला, क्षमता मिला, क्या मिला, क्षमता का अनुपात, अनुपात को सरलीकरण कर लेंगे, सरलीकरण 25 पाँच 125, 25 का 100, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सरलीकरण कर लिया, तो पांच यानी कि मोहन और सोहन में जो है 5:4 की क्षमता का अनुपात है, कितना है 5:4, यानी कहेंगे कि मोहन का 5 होगा, सोहन का 4 होगा, बढ़िया। यदि सोहन काम को 20 दिन में, सोहन कौन करेगा, सोहन कितने दिन में करेगा, 20 दिन में, सोहन कितना करता है एक दिन में, सोहन करता है एक दिन में 4 काम, 20 दिन में पूरा काम कर दिया, तो 20 दिन में कर दिया तो 20 दिन में कितना काम कर दिया भाई, तो हम कहेंगे 20 दिन में कर देगा 20 का 80 काम कर देगा, 20 दिन में 80 काम किया होगा, यानी कुल काम था कितना 80, कुल काम कितना था 80 काम था, अब उस 80 काम को कौन करेगा, अकेले मोहन करेगा, उस 80 काम को अकेले मोहन करेगा, तो मोहन की क्षमता है कितनी 5 की, कुल काम बटे मोहन की क्षमता 5 है, भाग दे लेंगे कितना आएगा 100 बचे 80, 80 दिन आपका आंसर आ जाएगा, 80 दिन आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों,
ठीक है, सॉरी 16 दिन, क्या आंसर आएगा 16 दिन आपका आंसर आ जाएगा, है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोलिएगा ठीक है, आया कि नहीं है भाई, बढ़िया है ना, कर लेंगे ना, कोई कष्ट है किसी को भाई, एनी प्रॉब्लम, यदि आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, और नहीं आएगा तो नो लिख दीजिएगा, है ना, यस या नो में आंसर दीजिएगा भाई। अस्पवन बाबू कहाँ हो, रूम पर आ, अरे भाई पर्सनल कमेंट ना करिए, ठीक है, हाँ बोलिएगा, आया कि नहीं आया, जल्दी बताएं आप लोग, चले आगे, चलिए हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, है ना, अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, दो व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में 3:2 का अनुपात है, यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में कर लेते हैं तो अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे भाई, सेम क्वेश्चन है, करा दिया है हमने, ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके हैं, 3:2 का अनुपात दिया गया है, दोनों मिलके 6 दिन में करेंगे, ठीक है 6 दिन में करेंगे, तो प्रत्येक अकेले अकेले कितने दिन में कर लेंगे, है ना, अकेले अकेले कितने दिन में कर लेंगे, ये आपसे क्वेश्चन दिया गया है, चलिए आपको हम टाइम दे रहे हैं, आपको जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, यस जल्दी बताएं भाई क्या आंसर आएगा इसका, दो व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में 3:2 का अनुपात है, यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में कर लेते हैं तो अकेले अकेले कितने दिन में पूरा कर लेंगे, आपके पास मात्र 30 सेकेंड का समय और है, ओनली 30 सेकेंड लेफ्ट, चलिए बताइए जल्दी से आंसर दीजिएगा, हाँ बताइए भाई क्या आंसर आएगा, चलिए 15 सेकेंड और है, जल्दी 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 आंसर दीजिए भाई, ठीक है, संगीता कुमारी ए है, ए ऑप्शन है, संगीता का डी है, पवन झा का डी है, ओके देखते हैं, चलिए करते हैं क्वेश्चन का, टाइम आपका हो चुका है, देखिए बोला गया है दो व्यक्ति, मान लिया एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी है, दोनों में 3:2 का अनुपात है, दोनों की ये जो अनुपात दिया गया है किसका अनुपात दिया गया है, क्षमता का दिया गया है, क्षमता दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी 5, दोनों मिलके काम करेंगे तो 1 दिन में कितना काम कर लेंगे 5 काम करेंगे 1 दिन में, आज 6 दिन में कर लिए पूरा काम, दोनों मिलके 6 दिन में कर लिए पूरा काम, 6 दिन में पूरा काम किए होंगे तो कुल काम निकाल लेते हैं, कुल काम कितना हो जाएगा 30 काम, कुल काम कितना हो गया 30 काम, है ना, 5 काम 1 दिन में तो 6 दिन में 30 काम कर लेंगे, यदि वही 30 काम अकेले एक करवाना हो तो एक क्षमता है कितनी 3 है, तो 10/30/3 कितना आएगा 10 दिन, यदि उस काम को अकेले यदि एक करेगा तो 10 दिन का समय लेगा, यदि उसी काम उसी 30 काम को अकेले बी करे बी का क्षमता कितना दिया है 2 का भाग देने कितना आएगा 15 दिन, तो हम ये कह सकते हैं कि अकेले अकेले करेंगे तो पहला व्यक्ति लेगा 10 दिन और दूसरा व्यक्ति लेगा 15 दिन, 10 दिन तो दिया नहीं है 15 दिन हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है 10 दिन और 15 दिन का समय लगेगा, किसी एक का ही दिया है एक का नहीं दिया हुआ है छोड़ दिया है ठीक है भूल गया होगा है ना, 15 दिन हमारा आंसर दिया है बी का आंसर जाएगा 15 दिन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई कर लेंगे ऐसे, आया कि नहीं है बताइए, आया कि नहीं है भाई, है ना, रेशियो दिया है क्षमता का 3:2, दोनों का मिलाकर क्षमता कितना होगा 5, दोनों मिलकर करेंगे 6 दिन में तो 6 दिन में कितना काम करेंगे 30, 6 दिन में पूरा काम खत्म हो गया, पूरा काम खत्म होने का मतलब 30 काम हो गया, कितना काम हो गया 30 काम हो गया, उसी 30 काम को अकेले ए करेगा तो ए की क्षमता कितनी है 3, क्षमता से देंगे भाग, क्षमता से भाग देने पे दिन निकलता है, क्षमता से भाग देने पर समय निकलता है, क्षमता से भाग दे दिया क्या गया समय 10 दिन, कुल काम को क्षमता से भाग दे दिया क्या गया 3, 15 दिन, कर लेंगे ऐसे भाई बढ़िया है ना, चले आगे, वेरी गुड वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला जो क्वेश्चन बताया है आपको ये है अल्टरनेट वर्क, जो अगला यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, टाइप क्या हो गया अल्टरनेट वर्क का मतलब होता है बारी बारी से काम करना, बारी बारी से काम करना इसका मतलब है अल्टरनेट वर्क, है ना, बारी बारी से काम करना इस पर आधारित प्रश्न, बारी बारी से काम करना पर आधारित प्रश्न है, डी भी हो सकता है ना,
नहीं डी नहीं होगा, क्योंकि आपको उसमें ऑप्शन दे रखा है, ए का 10 दिन, बी का 15 दिन, 15 दिन मिल गया ना तो हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, बारी बारी से काम करने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, पहले दिन ए करेगा तो बी नहीं रहेगा, अगले दिन बी काम करेगा तो ए नहीं रहेगा, अगले दिन ए की बारी बी नहीं रहेगा, अगले दिन बी की बारी ए नहीं रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, बारी बारी से काम करना, क्या बोलते हैं, बारी बारी से काम करना बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो हम कहेंगे यहाँ पे जो है, देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, यहां बोला गया है आपको कि ए किसी काम को 40 दिन में कर लेगा, कितने दिन करेगा, 40 दिन में, ए किसी काम को करेगा 40 दिन में, ठीक है ना, बी उसी काम को कर रहा है 50 दिन में, ठीक। यदि दोनों बारी बारी से करेंगे, बारी से एक एक दिन काम करेंगे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। देखते हैं, हम कहेंगे दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 200 को 40 से भाग देंगे कितना आएगा, 5, 50 से भाग देंगे कितना आएगा, 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए की क्षमता है 5 काम पर डे, बी की क्षमता है 4 काम पर डे। तो हमको बताइए, पहले दिन ए काम किया, अगले दिन फिर बी काम किया, अगर ए काम किया तो 5 काम किया, अब बी काम करेगा तो 4 काम करेगा, फिर अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा, कितना काम, 5 काम, बी आएगा कितना काम, 4 काम, फिर अगले दिन ए आएगा तो 5 काम, बी आएगा तो 4 काम, अगले दिन फिर ए आएगा। ये प्रोसेस, यही प्रोसेस लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा भाई, कब तक चलता रहेगा, जब तक कि पूरा काम, पूरा 200 काम है वो पूरा ना हो जाए, तब तक वो कंटिन्यू चलता रहेगा, क्लियर है ना। तो कैसे करेंगे सर, ऐसे कैसे करेंगे हम लोग, तो हम देखिए ऐसे करेंगे, देखिए बता रहे हैं आपको थोड़ा ही नहीं, हम कहेंगे यहाँ पे ऐसे हो गया, देखिए क्या करना, हम ये कहेंगे यहाँ पे कि पहले दिन ए आया कितना काम किया, 5, अगले दिन बी आया कितना काम किया, 4, दोनों मिल गए कितना काम करेंगे, दोनों मिल गए कितना काम करेंगे, 9, तो 9 काम होगा, पहले दिन ए अगले दिन बी, 9 काम हो गया, 9 काम बताइए कितने दिन में हुआ, कितने दिन में हुआ, 2 दिन में, 9 काम 2 दिन में, क्योंकि पहले दिन 5 काम, दूसरे दिन 4 काम, फिर 5 काम, फिर 4 काम, फिर 5 काम, फिर 4 काम, यानी कि 9 काम हुआ 2 दिन में, कितने दिन में, 2 दिन में हो गया 9 काम। अब हमको बताइए, यही चीज रिपीट होगा, हर दो दिन में 9 काम, हर दो दिन में 9 काम, हर दो दिन में 9 काम, 9 काम हर दो दिन में, 9 काम हर दो दिन में, यही प्रोसेस रिपीट होगा। कब तक रिपीट होगा, जब तक कि पूरा काम कंप्लीट ना हो जाए। चलिए देखिए, पूरा काम कितना है, 200, अब इस 9 में कितने से गुणा कर दें कि 200 आ जाए, भावनाओं को समझिएगा, ठीक है ना, इस 9 में कितने से गुणा कर दें कि 200 आ जाए, हम कहेंगे सर इसमें यदि हम 20 से गुणा करेंगे तो 20 नवा 180 हो जाएगा, ठीक है, यदि इसमें हम 11, इसमें हम 21 से करेंगे कितना आएगा, 21 करेंगे अगर 9 कम 9 189 आ जाएगा, ठीक है, 22 से करेंगे कितना आएगा, 18 1 19 है ना, 198, यानी हम ये कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 22 से गुणा करेंगे, 22 से गुणा करते, किससे गुणा करेंगे, 22 से, यदि ये इस वाले में, इस पूरे में हम 22 से गुणा करते कितना मिलेगा, 22 करोगे तो 22 गुणे 9 करेंगे, 9 2 18 1 18 198 ना, 22 नवा 198 आएगा। हम कहेंगे सर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 198 काम पूरा हो जाएगा, और 198 काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 9 काम 2 दिन में, इस हिसाब से जब चलेगा तो 22 नवा 198, अब 22 गुना 44, यानी हम ये कहेंगे यहाँ पे कि 198 काम को पूरा होने में 44 दिन का समय लेगा, लेकिन काम कितना करवाना है, 200 काम करवाना है, कितना काम बच गया, 2 काम बचा हुआ है, वह 2 काम कौन करेगा भाई, ए बी, बारी किसकी आएगी, ए की, ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, ये ए का है फिर बी का है, कौन आएगा, फिर ए फिर बी, जो एंडिंग हुआ होगा, ये 198 का जो एंडिंग है, जो अंत है, उसने बी ने किया होगा, फिर कौन आएगा, ए, तो हमने ये कहा कि 198 काम हो चुका है, 44 दिन लग चुके हैं, कितना काम बचा, 2 काम बचा, उस 2 काम के लिए किसको बुलाया जाएगा, ए को बुलाया गया, भैया ए आ जाओ, ए आ गया,
हम बोले देखो ए तुमको दो काम करना है, तो ए ने कहा मैं तो एक दिन काम करूंगा तो पांच काम कर लूंगा, केवल दो काम करना है, केवल दो काम करना है तो जल्दी ही कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए तो ए को बुलाया गया और ए ने कितना किया, दो काम पूरा किया। दो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, समय लगेगा, समय जो क्या होता है काम बटे क्षमता, कितना काम करवाना है, दो काम करवाना है, क्षमता है कितनी, पांच काम करने की, एक क्षमता कितनी है, पांच काम करने की, काम बटे में क्षमता, ये कितना आ गया समय, ये आपको हो गया डे। तो कुल मिलाकर कितना दिन लगा, तो 198 काम प्लस दो काम कितना हो गया 200 काम। इस 200 काम को पूरा करने में कुल समय कितना लग गया, तो कहेंगे 44 दिन यहाँ पर लगा है और 2/5 दिन यहाँ पर लगा है, यानी कि 44 सही 2/5 दिन, कितना आएगा 44 सही 2/5 दिन, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। बोलिए आया कि नहीं आया भाई मेरे प्यारे बच्चों, बोल दीजिएगा, ठीक है ना, आ रहा है ना भाई। देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए हम जो है इस लॉकडाउन में, फिर भी आप लोग आंसर नहीं दे रहे, ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो दया करिए हमारे ऊपर भाई, कुछ तो पढ़िए आप लोग, ठीक है, यदि मेरे ऊपर दया आ रही हो तो कम से कम पढ़ाई कर लीजिए आप लोग, आप ही लोगों के लिए हम खड़े हैं आप, है ना, अदरवाइज इस लॉकडाउन में हम भी आराम करते, क्यों पढ़ाते, क्या जरूरत है पढ़ाने की, हम भी आराम करते, लॉकडाउन है आप भी घर पे हम भी घर पे, ठीक है, लेकिन हम आपके लिए लगे हुए हैं, तो कुछ तो पढ़ाई करिए आप लोग, तब फिर से बताइए, ओके। देखिएगा फिर से बता रहे संगीता घबराइए मत, देखिए फिर से बताने जा रहे हैं ध्यान, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो लोग फिर से ध्यान देंगे, बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा हम कहेंगे कि ए किसी काम को कर सकता है 40 दिन में और बी उसी काम को कर सकता है 50 दिन में, एलसीएम कितना आएगा 200, 40 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 50 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, ठीक है। पहले दिन कम काम करेगा, ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, बारी बारी से काम हो रहा है, बारी बारी का मतलब होता है पहले दिन ए काम करेगा बी नहीं रहेगा, अगले दिन बी काम करेगा तो ए नहीं रहेगा, यानी कि 5 काम 4 काम कितना हुआ 9 काम, 9 काम यहाँ पे जो 9 काम होगा, इस 9 काम को करने में कितना दिन लगेगा, हम कहेंगे इस 9 काम को करने में 2 दिन का समय लग गया, कितना लग गया 2 दिन का समय लग गया ना। हम अब हम ये प्रयास करेंगे कि इस 9 में किस संख्या से गुणा कर दे कि 200 आ जाए, तो या 200 नहीं आए तो कम से कम 200 के पास में पहुंच जाए, 200 के पास में पहुंच जाए, तो हम कहेंगे सर 22 से यदि गुणा कर देंगे यहाँ पे 22 * 198 हम कह सकते हैं 198 काम हो जाएगा, कितने दिन में 22 * 44 दिन में, हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग, इस हिसाब से 198 काम पूरा हो जाएगा, कितने दिन में भाई 22 का गुणा करेंगे इसमें 198, 22 का गुणा करेंगे इसमें 2 में, कितना आएगा 44 दिन में, इस हिसाब से 198 काम पूरा हो जाएगा 44 दिन में, शेष काम कितना बचा 2 काम, ए आएगा और ए उस 2 काम को, शेष काम 2 बचा, उस 2 काम को कितने दिन में पूरा करेगा, दिन में पूरा करेगा, कितने समय में पूरा करेगा, समय निकालना है, क्षमता से भाग दे लेंगे, 2 काम करवाना है, क्षमता है कितनी एक ही 5 की है, तो काम बटे क्षमता ये हो गया आपका समय, इसको लिख देंगे दिन, कुल मिलाकर समय कितना लग गया 44 दिन ये और 2/5 दिन ये आ जाएगा 44 सही 2/5 दिन, आपका पूरा समय लग गया, पूरा काम कितना हो गया 200 काम करने में, 200 काम पूरा हो गया, यानी पूरा काम करने में 44 से 2/5 दिन लग गया, ठीक है जी सर हम भी लगे हैं, हाँ वेरी गुड वेरी डन, ठीक है ना, इस बार सिलेक्शन देना है, लॉकडाउन बहुत अच्छा चांस आपके लिए है, ठीक है आप नहीं पढ़ पा रहे तो कम से कम ऑनलाइन तो पढ़ाई कर लीजिए, तो खुले तो एग्जाम दीजिए और ज्वाइनिंग पाई, ठीक है ना, घबराना नहीं है लॉकडाउन से, घबराना नहीं है, ठीक है आप लोग साथ हम पूरे लॉकडाउन भर पढ़ाएंगे आपको, दौड़ाइए नहीं आपको, चले आके भाई हो गया तक ना, ठीक वेरी गुड। चलिए अब एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, एक क्वेश्चन आपको हम और देते हैं, बताइए क्या आंसर है, ये तो हो गया, हाँ क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा भाई, ठीक है क्वेश्चन दिया गया है, राम श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, राम श्याम मोहन, राम है श्याम है और मोहन है, ये क्रमशः कर सकते हैं 20 दिन में, ये करेगा 25 दिन में, ये कर लेगा 30 दिन में, 20 25 और 30 दिन में कर लेते हैं, तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो
पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा और अंतिम बारी किसकी आएगी, ध्यान दीजिएगा। चलिए बताना ये है कि कितने दिन में पूरा होगा, बारी की छोड़िए, पहले आप बताइए कितने दिन पूरा होगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, आपके लिए हम टाइम दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, बताए आर करेगा 20 दिन में, राम श्याम करेगा 25 दिन में, मोहन करेगा 30 दिन में, तीनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है भाई। जल्दी बताएं क्या इसका आंसर आएगा। चलिए 30 सेकंड और है, 30 सेकंड्स और हैं, ओनली 30 सेकंड्स लेफ्ट, जल्दी बताइए भाई क्या आंसर आएगा, जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड और बचे हुए हैं, 15 सेकंड बचे, चलिए देखते हैं। टाइम आपका समाप्त हो चुका है, टाइम आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, है ना, एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम निकालेंगे 30 दूना के 60 कटेगा नहीं, 30 के 90 कटेगा नहीं, और जो 12 है 120 कटेगा नहीं, 150 कटेगा नहीं, 180 150 कट जाएगा, कट जाएगा, है ना, कट जाएगा, ठीक है। देखिए तो ना ना दो से नहीं कटे, हाँ कट जाए, ठीक, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नहीं कट पाएगा, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 300 आएगा, 300 हाँ आ जाएगा, ठीक है। देखिए एलसीएम निकालते 300, एलसीएम आ जाएगा आपका 300 आएगा, हम कहेंगे एलसीएम हो जाएगा 300, हमने ले लिया, अब 20 से भाग देंगे कितना जाएगा, 15 बढ़ जाएगा, इससे भाग देंगे, ठीक है, पैसे का 25 हो जाएगा, 5 पैसे ना 12 बढ़ जाएगा ना, ठीक, इससे भाग देंगे तो 10 बढ़ जाएगा। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, राम श्याम और मोहन 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, तीनों का एलसीएम निकाला आ गया 300, 300 क्या है, कुल काम है, कितना भाई कुल काम है यहाँ पे, हम कहेंगे क्षमता निकल गई, ये क्षमता किसकी है, राम श्याम और मोहन की क्षमता आ गई 15 12 और 10 की, ठीक है। हम कहेंगे पहले दिन कौन आएगा, राम, दूसरे दिन श्याम और तीसरे दिन मोहन, कितना काम हो जाएगा, तो जोड़ लेंगे आ जाएगा 37, 37 काम होगा, कितना होगा 37 काम, कितने दिन में, 3 दिन में, हम कहेंगे इस हिसाब से देखा जाए तो 37 काम जो होगा वह 3 दिन में पूरा होगा, है ना, 37 काम कितना होगा, 3 दिन में पूरा होगा। अब हमको करना क्या है कि बारी बारी से करेंगे तो काम जो है समाप्त कितने दिन में हो जाएगा, अब हम प्रयास करेंगे कि 37 में किस संख्या से गुणा कर दें यहाँ पे ताकि 300 आ जाए, 37 में किस संख्या से गुणा करें ताकि यहाँ पे जो है आ जाए 300 आ जाए, देखिएगा किससे इंटू करेंगे, इसमें 10 से करेंगे गुणा, 10 से इसमें इंटू करेंगे कितना आएगा 370 अधिक हो गया ना, ठीक है, 9 से कर लेते हैं तो 9 से करेंगे 9 सते 63 3 6 करी 9 से 27 6 33 है ना, ये भी 8 से गुणा कर लेते हैं 856 6 5 करी 24 5 296, ठीक, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इसमें गुणा कर सकते हैं 8 से, किसे कर देंगे 8 से गुणा कर लेते, चलिए देखिए 8 से गुणा कर लेंगे कितना आएगा, तो 8 साथ 56 के 6 5 करी और 8 से 24 5 29 यानी 296 काम पूरा हो जाएगा, 296 काम पूरा करने में 8 दिन के 24 24 दिन का समय लग जाएगा, तो हम ये कहेंगे इस प्रकार से देखा जाए यदि तो कहेंगे सर 37 काम हो रहा है 3 दिन में, ए बी सी इसमें कौन है, इसमें पहले दिन ए है, अगले दिन बी है और अगले दिन सी है, ए बी सी का जो रिपीटेशन होगा तो हम कहेंगे 296 काम पूरा होगा 24 दिन में, फिर से बारी किसकी आएगी, ए की, तो ए को बुलाया गया और कहा गया ए 4 काम करना बाकी है, 4 काम बचा है, 296 हो गया, 4 काम बाकी है, 4 काम के लिए कौन आएगा, राम आएगा, कौन आएगा, राम, सॉरी ये नहीं है राम, कौन आएगा, राम आएगा, राम आएगा, तो राम को बोला गया 4 काम करना है भाई, 4 काम करना है कर दो, कितना समय लगेगा, समय निकाले कितना करते हैं, काम बटे क्षमता, काम है 4 का, क्षमता कितना भाई, राम क्षमता 15 का है, 15 से यहाँ कर लेंगे भाग, कर लेंगे भाई, तो हम कहेंगे कुल दिन कितना हो गया, 24 दिन यहाँ पे लगा और 4 बटे 15 दिन यहाँ पे लग गया, कहेंगे 24 सही 4 बटे में 15 दिन का समय लग जाएगा, 24 सही 4 बटे 15 दिन का समय लग जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा है कि अंतिम बारी किसकी आएगी, तो अंतिम बारी किसकी आई है, राम किसकी आई है, राम की बारी आ जाएगी अंतिम में। बोलिए भाई आया कि नहीं आया, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, और समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, लाइक जरूर करिएगा और अन्य ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर मिलेंगे हम लोग कल। अब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो बच्चे सब्सक्राइब कर लिए हैं वो सब्सक्राइब करवा देंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज इतना ही, ओके बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हम लोग कल, थैंक यू।